रमजान के मौके पर फल ठेला धारकों के 224 पास में से 160 पास वितरित हो चुका है। इस संबंध में फ्रूट एसोसिएशन के महामंत्री विजय कुमार सोनकर ने बताया कि प्रशासन की तरफ से 224 पास जारी किया गया था, जिसमें 65 पास अभी फल विक्रेता ले नहीं गए हैं, बाकी पास फल विक्रेता वितरित कर दिया गया है और उनको यह हिदायत दी गई है कि ठेलों पर सिर्फ फल और खजूर डोर टू डोर सप्लाई करेंगे, जिससे कि किसी को समय अनुसार के अंदर पूर्ति हो सके और कहीं से कोई शिकायत ना आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फ्रूट्स एसोसिएशन के महामंत्री विजय सोनकर ने कहा, यहाँ पे ठेला कहाँ है? आपका बना नहीं है भैया अभी? विजय कुमार सोनकर, महामंत्री, गोरखपुर फ्रूट एसोसिएशन। प्रशासन की तरफ से रमज़ान को देखते हुए 224 पास इशू की गई थी, जिसमें कि करीब 62 से 64 तक पास रुके हुए हैं, जो कि नहीं हुए और इसके बाद जो वितरण हो चुके हैं उनको इंगित करके बोला गया है कि आप ठेले पे फल खजूर और जो भी वैरायटियां हैं फल के लगाएं और डोर टू डोर सप्लाई देने की कोशिश करें कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और सबको समयानुसार के अंदर उनको हर चीज़ की पूर्ति होती रहे। और प्रशासन में भी इसमें बड़ा सहयोग दे रहा है कि जो भी मुस्लिम हमारे भाई हैं उनको समय से सब चीज़ उपलब्ध हो जाए, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। और बार बार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वो डोर टू डोर सबको सब चीज़ की उपलब्धता बराबर बनी रहे। सर, ये पास कहाँ कहाँ अभी तक लोगों को जारी हो चुका है? करीब करीब ये हमारे गोरखपुर शहर के अंदर ये जो मैंने ये एक मिनट 224 माइनस 63 एक अभी तक कहाँ कहाँ के लोग मतलब यहाँ से पास माइनस 63 करीब हमारा ख्याल है 150 से 60 पास जो यहाँ से चले जा चुके हैं। करीब करीब शहर हमारा कवर तो कर ही लेगा और हमने इंगित किया है कि आप हर डोर टू डोर जहाँ भी आप जाएं डोर टू डोर रन करें, एक जगह स्थिर न रहें कि सबको समय से सबको उपलब्ध होते रहें और किसी चीज़ की कोई शिकायत कोई न करने का मौका मिले। और प्रयास भी है, सबको हमने खजूर का भी वितरण करवा दिया है, हर ठेले पे खजूर की भी व्यवस्था की, अपने जो भी लगाएं ठेला उसके साथ खजूर का जरूर इस्तेमाल करें अपने ठेले पे खजूर। रेट निर्धारित करने के लिए कहा गया था, रेट का सर? रेट हमारे फल का तो इस समय क्या है, फल की कोई ऐसी जैसा जो वैरायटी उस रहा और कोई फ्लैक्चुएट रेट नहीं है। फल तो आप जितना इस समय इस लॉकडाउन में जितना फल पे जो नुकसान और जो व्यापारियों को मार पड़ा है वो किसी ट्रेड को नहीं मार पड़ा है। और हमारा फल का रेट कोई ज़्यादा है भी नहीं, हर आदमी के खाने के पॉकेट मनी के हिसाब से सबको सक्षम है, हर आदमी खा सकता है।